विश यू ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून। एकदम फ्रेश होके बैठो सब लोग। ओके हम लोग लिमिट्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया एलएच रूल, है ना, एल हॉस्पिटल या लापिताल। ओके तो एलएच रूल बोलेंगे हम उसको अब से। एलएच रूल क्या है ये भी आपको पता है? यस, लिमिट्स निकालने के लिए यूज होता है, हमने बहुत सी बार यूज भी किया है, लेकिन हम उसको बहुत डिटेल में समझो, है ना, कब यूज करना चाहिए कब यूज नहीं करना चाहिए, एक क्वेश्चन में कितनी बार यूज कर सकते हैं, कहां यूज करना चाहिए एक क्वेश्चन के अंदर और कहां एप्लीकेबल नहीं होता है, ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन वो समझने के लिए पहले डेरिवेटिव्स का बेसिक्स आना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बोला भी था कि डेरिवेटिव्स का बेसिक्स रिवाइज करके आना, एंड आई बिलीव कि आप लोग रिवाइज करके आए हो, है ना। फिर भी हम बेसिक डेरिवेटिव्स रिवाइज करते हैं, चेन रूल समझाऊंगा मैं आपको थोड़ा, ओके चेन रूल का प्रैक्टिस करा दूंगा थोड़ा। वैसे तो अगला चैप्टर जो हम शुरू करेंगे वो रहेगा डेरिवेटिव्स, या तो कंटिन्यूटी और फिर डेरिवेटिव्स। वो डेरिवेटिव्स जो चैप्टर है वो एक महीने से भी ज्यादा हो सकता है। ओके मान के चलो रोज तीन तीन घंटे का लेक्चर हो रहा है ना, तो एक महीना चलेगा। ओके इतना बड़ा मतलब चैप्टर है। ओके चलो पहले बेसिक डेरिवेटिव्स रिवाइज करो, ठीक है। एक डेरिवेटिव जो आपको मेनली पता है वो है x रेस टू n। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू n? n इंटू x रेस टू n माइनस वन। ओके तो यहां पे मैं लिखता हूं d अपॉन dx, फाइन। अब आगे से अगर मैं d अपॉन dx नहीं लिखूं और बोलूं भी कि इसका डेरिवेटिव, तो समझ लेना डेरिवेटिव, राइट। सो d अपॉन dx ऑफ x रेस टू n इज n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, एकदम सिंपल। अच्छा तो अगर मैं बोलता हूं x स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा 2x, अगर मैं बोलता हूं x क्यूब तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, राइट। एकदम सिंपल एज दैट, वेरी गुड। तो ये तो पता ही है यार सर हमको, क्या नया है? कुछ भी नहीं। और कुछ डेरिवेटिव हमको पता है, वट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। What is the derivative of cos x? Derivative of cos x is minus of sin x. Very good. बोलते जा यार, बहुत बढ़िया, है ना? Derivative of tan x is? Yes, sec square x. Derivative of sec x? Derivative of sec x is? Yes. Minus sec x into tan x. Very good. है ना, फिर क्या बचता है? डेरिवेटिव ऑफ कॉटेक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉटेक्स इज माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और बच्चों डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स इज यस माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉटेक्स, माइनस कोसेक इंटू कॉट, यस। ये आपको क्या हुआ? आई कुडंट हियर। ओके सॉरी। ओके या इसका डेरिवेटिव माइनस लगा दिया ना मैंने यहां। ओके परफेक्ट, राइट। सो डेरिवेटिव ऑफ sec x इज sec x tan x, cot x इज माइनस cosec square x, एंड cosec इज माइनस cosec x cot x। यार ये तो किसका डेरिवेटिव है? देखो समझो बात को। अब मैं यहां से आगे चेन रूल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, है ना। डेरिवेटिव ऑफ एक्स, अच्छा चलो अगले स्लाइड पे बताता हूं, है ना, प्लीज ध्यान देना गाइस। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, यस ध्यान दो अच्छे से, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। एक्स क्या है? एक्स एंगल है, साइन ऑफ सम एंगल एक्स। ओके तो बच्चों इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? इसका एक्चुअल फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, है ना, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, है ना, डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। ये उसका एक्चुअल फॉर्मूला है,
ओके तो यार ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या है वन, तो इसका क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू वन है ना, विच इज नथिंग बट कॉस एक्स। बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअली दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला है ना। अब इसको मैं वापस से अप्लाई करता हूं कुछ और फॉर्मूलास पे, ध्यान देना। यस, अगर मैं लिखता हूं d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन टू एक्स, ओके, तो साइन टू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस टू एक्स, साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एक्स का कॉस ऑफ एक्स, तो साइन ऑफ एंगल का हो गया कॉस ऑफ एंगल मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। इसको बोलते हैं चेन रूल, इसको बोला जाता है चेन रूल। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 cos 2x, ऐसे लिखना पड़ता है। अच्छा और एक देखो, अगर मैं बोलता हूं डेरिवेटिव ऑफ sin ऑफ 3x square plus 2, 3x square plus 2, तो ध्यान देना इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पहले इसका डेरिवेटिव ले लो, साइन ऑफ सम एंगल, तो साइन ऑफ सम एंगल का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ दैट एंगल, तो मैं लिखूंगा कॉस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2, वेरी गुड, मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 2, है ना। ऐसे सॉल्व करना होता है, इसको बोलते हैं चेन रूल, दिस इज कॉल्ड एज चेन रूल, है ना। यस yes, अच्छा ध्यान दो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2 इनटू इसका डेरिवेटिव, पूरे ब्रैकेट का डेरिवेटिव गाइस, पूरे ब्रैकेट का, तो 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 6x प्लस 2 का डेरिवेटिव इज 0, है ना। इसे सॉल्व करना पड़ता है एंड दैट इज चेन रूल, ओके। अच्छा मान लो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x, cos x का डेरिवेटिव होता है बच्चों माइनस साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, ये एंगल का डेरिवेटिव है ना। अब क्योंकि यार ये तो वन है इसलिए हम सीधा सीधा लिख देते हैं दिस इंटू वन विच इज नथिंग बट माइनस ऑफ साइन एक्स। यस, तो वही अगर ऐसा होता कि भैया व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ, चल थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं, अच्छे से ध्यान देना। अच्छा पहले सिंपल वाला दे देता हूं एक, है ना, d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस 3x, तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस 3x माइनस साइन 3x इनटू द डेरिवेटिव ऑफ द एंगल। यस, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस 3 साइन 3x, करेक्ट। तो ऐसे करना पड़ता है टू ऑल द डेरिवेटिव्स, ओके। चलो कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, है ना। अच्छा यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो पहले, इफ यू हैव एनी क्वेरीज पूछो पहले, ठीक है। एक्चुअली चेन रूल से ही सॉल्व होता है। अच्छा आप ये वाला देखो प्लीज ध्यान से, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको कैसे लिखना पड़ेगा आपको, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो मैं हर एक स्टेप लिख के दे रहा हूं छोटा छोटा, ओके। दिस इज नथिंग बट बच्चों d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर, एक ही बात है साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसको आप ट्रीट करो एज x रेज टू n, है ना। दिस इज नॉट जस्ट अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये x रेज टू n है, इसको ऐसे ट्रीट करना पड़ेगा। तो ये देखो क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन इंटू द डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज नथिंग बट साइन x। ध्यान दो यहां पे आ जाओ, यहां पे देखो x रेस टू n का डेरिवेटिव होता है, x रेस टू n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन इंटू द डेरिवेटिव ऑफ x, राइट। तो यहां पे x क्या है, यहां पे x है ये जो ब्रैकेट में जो चीज लिखी है ना वो x है,
करेक्ट, तो दोबारा से उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2 sin x into डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, विच इज नथिंग बट 2 sin x cos x, विच इज नथिंग बट sin 2x। समझ में आ रहा है क्या, ये वाला रूल है एक्चुअल, ये होता है, दिस इज द एक्चुअल वन, यस। लेकिन यार ये डेरिवेटिव ऑफ x सिर्फ 1 होता है, इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखते हैं। अच्छा अच्छा देखो एक और, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos स्क्वायर 3x, एकदम सिंपल सिंपल नंबर दे रहा हूं, है ना। तो बच्चों cos स्क्वायर 3x को मैं ऐसे लिख दूं क्या, d अपॉन dx ऑफ cos 3x का स्क्वायर, इसको आप x रेज टू n की तरह ट्रीट करो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू cos ऑफ 3x रेज टू 2 माइनस 1 n इंटू x रेज टू n माइनस 1 इंटू द डेरिवेटिव ऑफ ये ब्रैकेट, दैट इज cos 3x, है ना। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, ये क्या हो गया, 2 cos 3x इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cos 3x, डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज बच्चो sin 3x माइनस sin 3x इंटू द डेरिवेटिव ऑफ 3x, यस। देखो चेन कंटिन्यू हो रही है, चेन कंटिन्यू हो रही है, तो इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हमने पिछले पेज पे निकाला था, है ना। ये देखो cos 3x कैसे निकाला था, माइनस साइन 3x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x, तो भैया यहां पे भी तो दोबारा चेन रूल लगाना पड़ेगा, तो ऐसा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली व्हाट आर वी लेफ्ट विद, इसका डेरिवेटिव 3 हो जाएगा, 3 2 6, तो यहां पे आने वाला है माइनस 6 इंटू cos 3x इंटू साइन 3x। बोलो बात समझ में आ रही है क्या सबको, इसको बोलते हैं चेन रूल, तो आपको ऐसे उसको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिलहाल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज किया है, हर एक का यूज होगा, और ये इस पे पूरा एक चैप्टर है, और कुछ फॉर्मूलाज आएंगे वगैरह वगैरह, बट फिलहाल एनी डाउट इन दीज टू क्वेश्चंस, या चेन रूल कैसे अप्लाई हो रहा है, एकदम क्लियर, वेरी गुड, ओके चलो ठीक है। तो फिर एक दो डेरिवेटिव्स और देखो यार, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x। मैं बहुत सारे एग्जांपल करवा ही नहीं रहा हूं, ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ हमको बेसिक LH सॉल्व करते आ जाए ऐसा करवा रहा हूं, है ना, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, क्योंकि डेरिवेटिव्स बहुत करेंगे हम लोग, तो ये सब पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, है ना। डेरिवेटिव ऑफ log x होता है, एनीबॉडी व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x, वन बाय एक्स, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 by x, यस। लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल फॉर्मूला है डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1 by x इंटू d upon dx ऑफ x, ये है एक्चुअल चीज, ओके। इसका भी डेरिवेटिव लेना होता है, अच्छा तो फिर अगर हम बोले कि भैया व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x स्क्वेयर, तो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, 1 upon x square, ये देखो ये जो चीज थी उसका 1 upon वो आ गया, इंटू d upon dx ऑफ x स्क्वायर, है ना, ये कितना हो जाएगा 2x, सो 2x upon x square, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x स्क्वायर, है ना। अगर मैं बोलू कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ sin x, यस, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x, 1 upon x, तो ये हो जाएगा 1 upon sin x इंटू द डेरिवेटिव ऑफ sin x, ये log के साथ जो है ना उसका डेरिवेटिव, उसका साथ में डेरिवेटिव आएगा, ओके। तो व्हाट इज दिस नाउ, यस, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, तो cos x अपॉन Which is nothing but cot x, है ना, ऐसे करना पड़ेगा। अच्छा अगर मैं बोलूं कि what is the derivative of
log of sin square x. बताओ तो आंसर, कम ऑन डू इट, करके बताओ देखो, सी देखो तो जरा, यहां ध्यान देना बच्चों, सी लुक हियर लुक हियर लुक हियर एवरीबॉडी, सबका फोकस यहां. ओके, लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो लॉग ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या है, वन अपॉन दैट समथिंग, सो वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, है ना, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अभी अभी तो निकाला था, देखो यहां डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज साइन टू एक्स, तो लिख दू क्या डायरेक्ट साइन टू एक्स, है ना, तो ये हो जाएगा साइन टू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स विच इज नथिंग बट टू साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. यस, ये साइन एक्स से स्क्वायर कटा, बचा टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, यस विच इज नथिंग बट टू कॉट एक्स. चलो क्या सबको समझ में आ रहा है कैसे करना होता है, एवरीबडी 100%? ओके चलो फिर एक और डेरिवेटिव बताता हूं सिर्फ, है ना, एक और डेरिवेटिव बताता हूं और फिर शुरू करेंगे, है ना, यहां जगह मिल रही है मुझे, यहां करते हैं. क्या बोलता है एक डेरिवेटिव, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ, दो करेंगे हम लोग, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है बच्चों ई रेस टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स, है ना, नहीं मुझे और दो तीन चीजें बतानी रहेगी, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स, लेकिन एक्चुअल क्या है, एक्चुअल है इनटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये एक्स, यार ये तो वन होता है ना, इसलिए हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स इज जस्ट ई रेस टू एक्स. अच्छा एग्जाम्पल एग्जाम्पल और ध्यान दो अच्छे से, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स, इट इज ई रेस टू एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस वैल्यू, है ना, डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव इज 2x. एक्चुअली क्या है पता है, एक्चुअली और आगे आएगा यहां पे d अपॉन डी एक्स ऑफ x, ये x रेस टू n वाला है ना, लेकिन वो तो 1 होता है इसलिए हम लिखते नहीं है उसको, करेक्ट, ये तो वैसे भी 1 होने वाला है, सो दिस इज 2x e रेस टू x स्क्वायर. बोलो बात समझ में आ रही है क्या सबको, कोई डाउट है तो Yes, तो अगर मैं लिखता हूं एक और एग्जाम्पल, अरे अगर मैं लिखता हूं एक और एग्जाम्पल, e रेस टू साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा बता दो जल्दी से, है ना, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू एक्स इज e रेस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज नथिंग बट कॉस एक्स, तो ऐसे डायरेक्ट लिखना, ओके, चेन रूल लगाते 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 डायरेक्ट लिखो. अच्छा देखो चेन रूल और कैसे, एक और लास्ट लास्ट कम ऑन, ई रेस टू साइन स्क्वायर एक्स अगर मैं लिख देता हूं तो बच्चों ये हो जाएगा, मैं टोटल में लिख रहा हूं, तो साइन स्क्वायर एक्स का साइन टू एक्स होता है, ये लर्न कर लो आप लोग, ओके, लेकिन फिर भी टोटल में ई रेस टू साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स. हाँ मुझे पता है साइन स्क्वायर एक्स का साइन टू एक्स है, बट अभी हम करेंगे नहीं, हम लोग उसको पूरा करके देखते हैं, है ना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू इसका क्या डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव होता है टू साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स, हाँ कि नहीं, इसको हम बोलेंगे कि वी विल ट्रीट दिस एज एक्स रेस टू एन, which is n into x raised to n minus 1 into derivative of x, that is sin x. Correct? तो ऐसे continue होते जाता है, e raised to sin square x, इसका हो जाएगा cos x, which is nothing but sin 2x, है ना? Sin 2x. समझ में आ रहा है क्या सबको? Everybody, everybody, everybody. अच्छा लास्ट स्टेप, अच्छा यहां देखो, यहां देखो,
ये हो गया e raise to sin square x into ये 2 sin x as it is into derivative of sin x is cos x. What is 2 sin x cos x? Yes, sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. तो मैं इसको लिखूंगा sin square x into sin 2x. अब समझा मानस? क्लियर? एकदम वेरी गुड. एक और लास्ट फॉर्मूला. लास्ट फॉर्मूला इज डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x. a रेस टू x, डेरिवेटिव ऑफ a रेस टू x होता है a रेस टू x log a, है ना? a रेस टू x log a एक्चुअल में होता है मल्टीप्लाइड बाय d अपॉन dx ऑफ x. इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव एक्चुअली ये होता है. ओके okay? लेकिन यहां पे तो d अपॉन dx ऑफ x इज 1, तो हम सिर्फ इतना लिखते हैं a रेस टू x log a. अच्छा, तो एक दो एग्जांपल इस पे कर लेते हैं फटाफट. देखो d अपॉन dx ऑफ a रेस टू 2x, एकदम सिंपल सिंपल दे रहा हूं, सिंपल सिंपल ही लगने वाला है लिमिट्स में फिलहाल. ओके, इज इक्वल टू, व्हाट इज इसका डेरिवेटिव? a रेस टू 2x log a, है ना, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x व्हिच इज नथिंग बट 2. तो ये हो जाएगा 2 a रेस टू 2x log a, एकदम सिंपल. ओके okay? यहां कोई बड़ा फंक्शन रहता है तो उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, फिर उसको भी अलग डेरिवेटिव समझ के सॉल्व करो. तो चेन रूल मल्टीपल टाइम्स लग सकता है. देखो यहां पे एक बार लगा, फिर यहां पे एक बार लगा, है ना, अंदर ब्रैकेट में क्या फंक्शन है उस पर डिपेंड करेगा. और बहुत मजा आएगा जब आप डेरिवेटिव करोगे तो इतना सारा रहेगा, कभी कभी चार चार पांच पांच छह छह बार चेन रूल लगाना पड़ेगा, है ना. तो इट विल बी मोर फन एंड मोर इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आता है. या एक आधा चेन रूल छूट जाता है यहां वहां तो इट बिकम्स फन एक्चुअली. आप जितना उसको फन वे में लोगे उतना मजा भी आएगा, है ना. चल, तो ये था बेसिक फॉर्मूलाज का डेरिवेटिव्स. अब दो बेसिक चीजें और. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ यू इन पी? अगर कोई, अभी तक देखो हमने सारे सिंगल सिंगल, इज इट, अभी तक सिंगल फंक्शन देख रहे थे हम लोग. सिंगल फंक्शन मतलब एक डेरिवेटिव ऑफ सिर्फ एक चीज साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू टू एक्स, एक एक ही फंक्शन था, सिंगल 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 फंक्शन. यस, लेकिन अब क्या रहेगा? अब ऐसा देंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स. अब देखो दो चीज है मल्टीप्लीकेशन में, है ना, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू एक्स इंटू मान लो साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स. देखो दो चीजें हैं, करेक्ट. तो डिफरेंस देखो, अभी तक सिर्फ ब्रैकेट के अंदर एक ही चीज थी, अभी दो दो चीजें आ रही है. अभी अभी थोड़े दिन पहले, दो दिन पहले हमने फिजिक्स में इसको देखा था, जब हम इमेज वेलोसिटी कर रहे थे तो यूवी रूल इज व्हाट वी सॉ, यू इंटू वी, प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कैसे करना है. ओके, बेसिक्स फिजिक्स के डेरिवेटिव सेशंस में भी बहुत पहले हमने ये सीखा है, सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूं, है ना. दो फंक्शन है, एक u एक v, और बच्चों इसका डेरिवेटिव, है ना. तो इसको कैसे लिखते हैं हम? v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, एक बारी u का डेरिवेटिव, प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, एक बारी v का डेरिवेटिव. U को ऐसे ही रखो, V का डेरिवेटिव लो, प्लस V को ऐसे ही रखो, U का डेरिवेटिव लो. एक एग्जांपल देखते हैं, X इंटू साइन एक्स, ओके, का डेरिवेटिव. यस, मान लो मैं इसको बोलता हूं U, इसको बोलता हूं V, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? देखो साइन एक्स V इंटू डेरिवेटिव ऑफ U, d अपॉन dx ऑफ x, प्लस U इंटू डेरिवेटिव ऑफ V. U क्या है? x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ऐसे लिखना पड़ेगा, विच इज नथिंग बट बच्चों डेरिवेटिव ऑफ x तो 1 होता है, तो ये हो गया साइन एक्स, प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है माइनस कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स होता है कॉस एक्स, तो x कॉस x, x कॉस x, ऐसे आएगा.
है ना। एक और एग्जांपल करते हैं, देखो जरा, लेट्स टेक डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। तो मैं इसको यू बोल देता हूं और इसको वी बोल देता हूं, चलेगा। तो ये हो गया यू इंटू वी, ठीक है, फटाफट देख लो। यस, तो पहला डायरेक्ट लिखे, थोड़ा सा डायरेक्ट यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी, यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी इज दिस, यस, प्लस वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, डेरिवेटिव ऑफ यू है कॉस एक्स। तो ये हो गया गाइस माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, विच इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। बोलो समझ में आ रहा है क्या? दैट इज हाउ यू यूज यू इंटू वी रूल, या कॉस टू एक्स, एब्सोल्यूटली कॉस टू एक्स, वेरी गुड, कॉस टू एक्स, ठीक है। तो अगर कोई दो चीजों का प्रोडक्ट होता है तो ऐसे डेरिवेटिव लेना है उसका। दिस इज द बेसिक, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन किए। वन लास्ट यू अपॉन वी, यू डिवाइडेड बाई वी का डेरिवेटिव, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, पहले तो जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर लिख दो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है डिनोमिनेटर में, फिर v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v ऊपर आता है, ओके। v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, पहले न्यूमरेटर में u है, पहले u का डेरिवेटिव, क्या बोला, न्यूमरेटर में u है ना, तो पहले उसका डेरिवेटिव माइनस u इंटू v का डेरिवेटिव, ओके। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ, बताओ, साइन एक्स अपॉन एक्स, ओके, इसका डेरिवेटिव करना है, ओके। तो गाइज ये हो गया यू, ये हो गया वी, तो नीचे तो मैं लिख दूंगा एक्स का स्क्वायर, सीधा सीधा वी का स्क्वायर, ओके। ऊपर क्या आएगा, वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स, डायरेक्ट लिखता हूं, माइनस यू इंटू यू है आपका साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी विच इज वन, है ना। तो ये हो गया एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये एक बार डेरिवेटिव उसका लिया तो ऐसा रिजल्ट आया। यस, क्या सबको समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। अच्छा, फिर डबल डेरिवेटिव भी होता है? हाँ, यस, ऑल ओके। देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज डबल डेरिवेटिव ऑल्सो, है ना। डेरिवेटिव को मान लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स क्यूब है, थ्री एक्स क्यूब, तो डेरिवेटिव को एफ डैश ऑफ एक्स भी लिखा जाता है। एफ डैश ऑफ एक्स मतलब डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 9x square, ये 3, n into x raised to n minus 1, फिर दोबारा से इसका एक और बार डेरिवेटिव लेता हूं मैं, तो इसको बोलते हैं f double dash of x, या डबल डेरिवेटिव। तो इसका बच्चों डबल डेरिवेटिव लोगे तो क्या होगा, 9 टू जा 18, 18x, इसका और एक बार डेरिवेटिव ले लू तो ये हो गया ट्रिपल डेरिवेटिव, 18 into x is 18, एंड इसका एक और बार डेरिवेटिव ले लेता हूं मैं 4 टाइम्स, है ना, तो क्या आ जाएगा इसका, 0, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0, है ना। तो दिस इज सिंगल डेरिवेटिव, डबल ट्रिपल, ट्रिपल तक की आपको जरूरत पड़ेगी डेरिवेटिव्स में, यहां डबल तक की जरूरत पड़ सकती है, ट्रिपल की भी पड़ सकती है, दो बार तीन बार डेरिवेटिव निकालना पड़ता है ना। अब ध्यान दो यहां पे यार, ये है आपका f डैश ऑफ x, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि इसका भी डेरिवेटिव निकालो। यस, वैसे तो हम अभी करेंगे नहीं, लेकिन मान लो अगर इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए आता है तो बच्चों ये ऊपर वाला पूरा आपका u हो जाएगा और ये नीचे वाला आपका v हो जाएगा, हाँ कि नहीं। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालने जाऊं भी तो नीचे आ जाएगा x raise to 4, है ना, इंटू
इंटू वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट ये वाला पूरा ओके माइनस माइनस ये वाला ब्रैकेट इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज 2x. देखो तो थोड़ा सा डेंजर हो गया ना, थोड़ा सा डेंजर हो गया. इट्स ओके, आराम से हो जाएगा बच्चों. x cos x ध्यान दो यार, अभी जब x cos x आएगा यहां पे x cos x तो उसको दोबारा u इंटू वी से सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, अरे जो शॉर्टकट्स रहेगा वो सब डेरिवेटिव्स में देखेंगे हम. फिलहाल के लिए तो u v से सॉल्व करना पड़ेगा, तो हो गया डेंजरस, है ना. तो इसीलिए अब आपको सही तरीके से चूज करना है कि लापिताल कहां लगाए कहां ना लगाए. ओके, फॉर एग्जाम्पल हम देखते जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वी विल सी कि यार कौन से मेथड से सॉल्व करना इस क्वेश्चन को ज्यादा सही रहेगा. सिर्फ ऑब्जर्वेशन से यू कैन मेक इट आउट एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, है ना. कल हमारा टोटल लिमिट्स खत्म हो जाएगा, टोटल आज का सेशन. कल के सेशन में फिर हम बहुत सारे करेंगे, कुछ वैरायटी करेंगे, थोड़े टफ वाले क्वेश्चंस करेंगे, टोटल 3 आवर्स, और उसके बाद लिमिट्स होगा खत्म. फिर संडे आपका होमवर्क रहेगा 200 क्वेश्चंस लिमिट्स के. संडे मंडे, मंडे होली की छुट्टी रहेगी ना, तो यार ठीक है 2 दिन में 200 क्वेश्चन तो आराम से बना लोगे, आराम से, है ना. चलो विदाउट एनी वरीज हम लोग बढ़ते हैं आगे और LH रूल को समझते हैं. ओके चलो, सो LH रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं. कब लगाना है LH रूल, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट LH रूल कब लगाना है, जब 0/0 या फिर ∞/∞ फॉर्म है तब ही लगा सकते हो. किस पे लगा सकते हो, इस पे, लिमिट f ऑफ x अपॉन g ऑफ x. ऐसा कुछ आपको फंक्शन दिया है, लिमिट x टेंड्स टू समथिंग, लिमिट x टेंड्स टू समथिंग f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, ऐसा फॉर्म अगर है, यस, और इसका आंसर अगर 0/0 आ रहा है विद डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन या फिर ∞/∞ आ रहा है तभी LH रूल लगाना है. LH रूल क्या है, यस, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो एंड डिनोमिनेटर को भी डिफरेंशिएट करो, यस, सेपरेटली. यू वी रूल लगा के नहीं करना, यू अपॉन वी वाला रूल लगा के नहीं करना, सेपरेटली इसको डिफरेंशिएट करो, न्यूमरेटर को अलग से, डिनोमिनेटर को अलग से. ओके, यस, और ये तभी लगेगा जब 0/0 या ∞/∞ फॉर्म आपको मिल रहा है. न्यूमरेटर को करो, डिनोमिनेटर को करो, यस, देन अगेन चेक, अगेन चेक वेदर 0/0 या ∞/∞ फॉर्म है. इफ यस देन फिर से डिफरेंशिएट करो, है ना, डिफरेंशिएट अगेन. If no, then substitute the value. अगर no है तो limit की value substitute कर दो, है ना, this is the rule. Fine. अब रेशमि का एक सवाल था यार पहले session में, first session जब हम limits पढ़ रहे थे कि sir 0/∞ तो 0 होना चाहिए, 0/any big number तो 0 होना चाहिए, है ना, फिर उसको 0/0 या ∞/∞ कैसे हुआ, है ना, उसका आंसर आज दूंगा. ओके, और वो भी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू. मान लो आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है जिसमें 0/0 या ∞/∞ फॉर्म नहीं है, इसमें 0/∞ फॉर्म आ रहा है या फिर बच्चों ∞-∞ फॉर्म आ रहा है, है ना, तो पहले उसको आप कन्वर्ट करोगे इस फॉर्म में, है ना, तभी LH रूल एप्लीकेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा. याद रखना, ओनली वेन यू हैव 0/0 या ∞/∞, अगर आपके पास ये है तो भी लगा सकते हो आफ्टर कन्वर्जन. तो पहले भैया कन्वर्ट करो उसको इन दिस फॉर्म, यस, इसको भी कन्वर्ट करो इन दिस फॉर्म, फिर लगाओ. कैसे कन्वर्ट करना होगा हम लोग देखेंगे जब एग्जाम्पल आएगा तब.
और कन्वर्ट करके फिर उसको सॉल्व करेंगे. ओके, ऐसे समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एंड मास्टर इट इज प्रैक्टिस. तो चलो कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं साथ में. चलो पहला क्वेश्चन, यार ये तो लड्डू है, ये तो आप इतने दिन से कर ही रहे थे, ये तो एकदम लड्डू वाला सवाल. क्या बोल रहा है? लिमिट एक्सटेंड्स टू टू. अच्छा गाइस, इज इट विजिबल? एकदम मस्त विजिबल है ना, क्लियरली दिख रहा है, छोटा नहीं हुआ राइट बहुत. ओके ओके, चलो देखो. तो सबसे पहले मैं धीरे धीरे बताऊंगा, है ना, पहले इजी इजी क्वेश्चंस, फिर अच्छे वाले, फिर और अच्छे वाले. यस, चलो. x square minus 5x upon 6, x square minus 4. चेक करो तो 0 by 0 फॉर्म है क्या? x is equal to 2 डाल दो, है ना? So 2 to the 4 absolutely आता है. बच्चों अब मैं चेक नहीं करूंगा, हर बार आएगा. ओके तो आएगा. चलो फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो. यस, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव LH रूल लगाएंगे. LH रूल क्या बोलता है? लिमिट x tends to 2, ऊपर का डेरिवेटिव 2x माइनस 5 और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसका 0. अब 2 डाल के देखो तो जरा, 2 टू जा 4 माइनस 1, 4 माइनस 5 इज माइनस 1 और 2 टू जा 4. परफेक्ट, खत्म हो गया. 0 बाय 0 नहीं आ रहा है ना, तो दिस इज योर आंसर. ये आपको आता भी था पहले भी. अच्छा तो अगला देखो, अगला देखो. अच्छा चलो इसमें LH रूल लगाओ तो जरा, कम ऑन डू इट, करो जरा मेरे लिए. देखो यहां पे लगा लेंगे क्या डायरेक्ट LH रूल? नहीं लगा सकते, है ना, लगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि देखो यार 0 बाय 0 फॉर्म नहीं है सबसे पहले, राइट. तो जब भी आप पहले सॉल्व करने जाओ तो पहले यही चेक करना है कि 0 बाय 0 फॉर्म है क्या. आप में से कितने लोग चालू हो गए थे, इसका डेरिवेटिव लो, उसका डेरिवेटिव लो? नहीं, लगा ही नहीं सकते आप उसको, है ना. तो इसको सॉल्व करना ज्यादा इजी रहेगा बेसिक फैक्टराइजेशन से. ओके, बीच बीच में ऐसे सवाल डाले मैंने जहां पे इजी होगा, नॉर्मल मेथड जो हम सीख चुके ऑलरेडी, करेक्ट. तो चलो नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर दो. तो जल्दी से ये हो गया 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, है ना, प्लस 1 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स लिखता हूं इसको, और 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स से डिवाइड किया. क्यों? फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहा हूं मैं, है ना, एलसीएम लिया दोनों का एलसीएम, करेक्ट. तो ऊपर बचेगा 2 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स. ये सब हमने शायद पहले भी किया था, है ना. 2 माइनस 1 इज 1, 1 प्लस एक्स अपॉन, यस, 2 माइनस, नहीं 1 माइनस एक्स आ जाएगा ना, ये देखो यहां पे ये माइनस हो जाएगा, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स. यस, ये कटेगा 1 बाय 2, वेरी गुड, करेक्ट. यस, तो आपको बस ध्यान रखना है कहां लगाना है और कहां नहीं. चलो अगला सवाल, इसको देखो, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना हमारा, दीज टू आर आर, हाँ हाँ बिल्कुल हो जाएगा ना, होएगा. ओके ठीक है. अच्छा इसको देखो, साइन एक्स अपॉन एक्स, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला हमको पता है, 1 आता है. कैसे 1 आता है? इसको LH से सॉल्व करके देखो तो हो रहा है क्या. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स? कॉस एक्स अपॉन व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स? 1. और बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, डाल दो x के बदले 0, cos 0 इज 1, है ना. तो फॉर्मूला भी सॉल्व हो रहा है LH से. ये वाला देखो तो ये भी तो फॉर्मूला है, इस पे LH लगाओ तो जरा, इसके ऊपर LH लगाओ, 0 बाय 0 है, हाँ, x इज इक्वल टू a डाल दो तो 0 बाय 0 आ जाएगा. तो न्यूमरेटर में LH लगाओ, क्या आएगा डेरिवेटिव उसका? n इंटू x रेज टू n माइनस 1 माइनस 0, दिस इज अ कॉन्स्टेंट, उसमें तो x है ही नहीं ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू x उसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0, तो वो तो गया, ये कट गया, अपॉन डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ a इज 0, n इनटू x रेज टू n माइनस 1. बोलो बात समझ में आई एवरीबॉडी? यस, सिंपल, ओके. अच्छा ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? फॉरगेट LH, LH भूल जाओ,
अदरवाइज कैसे करते हैं हम इसको, x रेस टू 10 माइनस 2 रेस टू 10 अपॉन x रेस टू 5, वेरी गुड। तो यहां हम करेंगे x रेस टू 10 माइनस 2 रेस टू 10 अपॉन x माइनस 2 और x रेस टू 5 माइनस 2 रेस टू 5 अपॉन x माइनस 2। ऐसा करते हैं ना हम, यस और नो, व्हाट इज द लिमिट ऊपर वाले का नीचे वाले का, ऐसा कुछ है क्या? या n इंटू x रेस टू n माइनस 1 वाला फॉर्मूला आएगा, n इंटू 2 रेस टू 9 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 रेस टू 4, ऐसा कुछ आएगा एंड वॉट एवर इज द आंसर। अच्छा अब इसको LH रूल से करो, न्यूमरेटर ये 0 बाय 0 फॉर्म है, 0 बाय 0 फॉर्म है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 10, 10 इंटू x रेस टू 9, इसका डेरिवेटिव 0। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 5, 5 इंटू x रेस टू 4, देखो कितना जल्दी से हो गया है ना, मतलब जो सारे क्वेश्चंस वैसे सॉल्व कर सकते थे LH से फटाफट हो जाएगा। यस yes, तो ये क्या आएगा, 5 वन जा 5 टू जा 2 इंटू एक्स रेस टू 5, यस दैट इज 2 इंटू x की वैल्यू डाल दो आप 2, 2 इंटू 2 रेस टू 5 दैट इज 2 इंटू 32 विच इज 64, है ना। तो यार ऐसे करो या ऐसे करो दोनों भी चलेगा। यस क्या इजी है यहां पे, मुझे तो LH ज्यादा इजी लगा, करेक्ट LH ज्यादा इजी लगा, सिर्फ ये स्कूल एग्जाम में अलाउड नहीं होता। ठीक है समझ में आया, कोई डाउट है किसी को, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चल अच्छा ये क्वेश्चन ले, उससे पहले यस रेशमी क्या बोली, ओके ठीक चल इसको बाद में करते हैं, दो मिनट के बाद आएंगे। अच्छा चलो ये करके बताओ तो यार मुझे सॉल्व, LH से ये सॉल्व करके बताओ। यहां ध्यान दो, लगा दिया LH लगा दिया, गड़बड़ हो गई ना सारी, वही मैं बोलना चाहता हूं कि हर जगह मत लगाओ, ओके है बहुत अच्छा, लेकिन कहां लगाए कहां नहीं लगाए उसको थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है ना। क्या होगा नहीं क्या ये LH से, बिल्कुल होगा, लेकिन पहले ना आप डेरिवेटिव्स बहुत अच्छे से सीख लो, बहुत अच्छे से बहुत स्ट्रांग कर लो, हो जाएगा है ना नॉर्मल। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, प्रॉब्लम ये हो गई कि बच्चों इसका डेरिवेटिव क्या है, 10 रेस टू एक्स का, ए रेस टू एक्स इज ए रेस टू एक्स लॉग ए है ना, माइनस 2 रेस टू एक्स लॉग 2 ये इसका डेरिवेटिव, माइनस 5 रेस टू एक्स लॉग 5 ये इसका डेरिवेटिव है ना, डिवाइडेड बाय, यार इसको यूवी से सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है चलो कर भी दे हम लोग, चलो लेट्स ट्राई एंड सॉल्व इट बाय यूवी रूल है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ओके सो x इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x प्लस tan x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x व्हिच इज 1, वेरी गुड। चलो x इज इक्वल टू 0 डाल के देखो तो जरा क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 डाल, देखो यहां पे आ जाओ, यहां पे ये क्या है log 10 है ना, और ये x 10 रेस टू 0 इज 1, तो यहां पे बचेगा सिर्फ log 10 माइनस यहां पे बचेगा सिर्फ log 2 माइनस ये भी 1 हो जाएगा, यहां बचेगा log 5, बहुत बढ़िया यार ये तो शानदार आ गया। अब नीचे देखो x इज इक्वल टू 0 डाल दो तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा है ना, और इसके बदले tan x तो ये भी हो जाएगा 0, तो डिनोमिनेटर में फंस गए, यस डिनोमिनेटर में फंस गए। अच्छा तो क्या बेटर है, बेटर है कि आप इसको नॉर्मल वाले मेथड से सॉल्व करो, जो क्या था हमारा 2 रेस टू एक्स इंटू 5 रेस टू एक्स माइनस 2 रेस टू एक्स माइनस 5 रेस टू एक्स प्लस 1 है ना, इससे सॉल्व करो उसको तो ये ज्यादा बेटर है, करेक्ट यहां से कॉमन निकालो एंड ऑल दैट, ओके एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा शायद या, लेकिन ये वाला सम देखो, ये वाला सम देखो, ये शायद LH से बेटर हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा, ये LH से
ये हो जाएगा. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 3 रेज टू 2x? इट इज 3 रेज टू 2x log 3 इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x व्हिच इज 2. अरे हाँ कि नहीं, चेन रूल. माइनस 2 रेज टू 3x का डेरिवेटिव होगा 2 रेज टू 3x log 2 इनटू इसका डेरिवेटिव व्हिच इज 3 डिवाइडेड बाय 1. डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. लिमिट x टेंड्स टू 0. अब डाल दो भाई 0. तो डिनोमिनेटर देखो पिछले क्वेश्चन का थोड़ा सा गंदा था, है ना? तो वहां फिर यूवी से सॉल्व करना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट? तो फिलहाल क्योंकि हमको बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है डेरिवेटिव्स एंड ऑल, या सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव, तो आप अदरवाइज भी बच्चों जब आ जाएगा ना, जब आ जाएगा तब भी यू शुड रियलाइज कि क्या किया जाए, कौन सा मेथड बेटर पड़ेगा, है ना? तो यहां पे हो गया अभी खत्म. क्या बचा? अब डाल दो x की वैल्यू 0. सो 3 रेज टू 0 इज 1, ये बचेगा 2 log 3. माइनस ये 2 रेज टू 0, ये भी 1 हो जाएगा, 3 log 2. यस, इसको मैं लिख सकता हूं क्या? log ऑफ 3 का स्क्वायर, ये 2 यहां चला जाएगा. m log n इज इक्वल टू log n रेज टू m, है ना? ये m यहां चला गया n की पावर में, तो ये 2 को लेके गया. माइनस यहां हो जाएगा log ऑफ 2 का क्यूब विच इज 8. तो ये होगा गाइस log ऑफ 9 बाय 8, log ऑफ 9 बाय 8, है ना? तो LH कहां लगाओ, कब लगाओ, कब नहीं लगाओ, ये प्रैक्टिस से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ओके, चलो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री. अब ध्यान देना यहां पे, यहां ध्यान दो. ओके, ये क्वेश्चन है. अगर मैं इसमें, या देखो फर्स्ट लुक, पहले देखो तो जरा क्या करे क्या करे, समझ नहीं रहा. यस, दिख तो ट्रिग्नोमेट्री का रहा है, अच्छा. यस, चलो टेल मी क्या किया जाए. बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, समझो. और क्या किया ऐसे? ओके, तो आप जैसे बोल रहे हो वैसे मैं लिख देता हूं. यू आर सेइंग कि सर शायद x अपॉन x क्यूब लिख दो माइनस साइन x अपॉन x क्यूब लिख दो. हाँ, लिख दिया, फिर क्या करूं? सब आपको ही बताना है. x इज इक्वल टू 0 तो अभी भी नहीं डाल सकता मैं. हाँ, तो ये हो गया 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस, हाँ हो गया ना, लिखा ना. हाँ हाँ, वेरी गुड. हाँ, फिर क्या करूं? फिर क्या करे? हाँ ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा. ओके, हाँ फिर ये तो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी टाइप्स कुछ नहीं हो गया. अरे ऐसा कैसा 0 आएगा? 1 बाय 0 माइनस 1 बाय 0 आएगा ना. 0 कैसे आया बेटा? ये x की लिमिट 0 है ना, तो ये हो जाएगा 1 बाय 0, 1 बाय 0 विच इज नॉट डिफाइंड. ये तो प्रॉब्लम है, और पहले भी तो यही प्रॉब्लम था, राइट? तो ये तो नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो इसको ऐसे तो नहीं कर सकते. तो क्या करे? और कोई लॉजिक, और कुछ चल रहा है क्या? यस, ले लो डेरिवेटिव, लगा दो लापिता, लगा दो, अब लगा दो, है ना? तो यार जब ट्रिग्नोमेट्री चल नहीं रहा है फिलहाल, हमारा फिलहाल क्या कर नहीं सकते सॉल्व? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना? लेकिन वही तो कि इजी क्या है. चल, 0 बाय 0 फॉर्म है, हाँ है, देख लो, चेक कर लेना. 0 बाय 0 लगा दो एल हॉस्पिटल, लापिता लगा दो एल एच, है ना? न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ध्यान देना, एक्स का डेरिवेटिव है 1 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स अपॉन नीचे का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर. अभी भी बच्चों 0 बाय 0 फॉर्म है, देख लो एक बार, 1 माइनस 1 अपॉन, या 0 बाय 0 फॉर्म है, है ना? फिर से लगा दो LH, फिर से LH लगा दो, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो गया? 0 माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा बच्चों प्लस साइन एक्स अपॉन ये हो जाएगा 6x. Yes, अब डाल के देखो x की वैल्यू 0 है ना, तो ये हो गया sin x अपॉन 6x,
यस, ये अभी भी 0/0 फॉर्म है, फिर से एल एच लगा दो, तीन बार ही एल एच लगा रहे, डेरिवेटिव ऑफ चलेगा चलेगा, यस यस राइट। तो अब तो हाँ लिख सकते हैं ना, अरे लिख सकते हैं, वही मैं बोल रहा हूं, मैंने पहले ही पूछा क्या सॉल्व नहीं हो सकता, हो सकता है ना, यहाँ पे आप 2 sin² x/2 लिख दो और फिर भी हो जाएगा, करेक्ट, यहाँ आप 2 sin² x/2 लिख दो, डिवाइडेड बाय x² है तो डिनोमिनेटर में बाय 4 × 4 वगैरह वो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन मुझे लग रहा है एलएच ज्यादा इजी है, ज्यादा इजी लग रहा है ना, यहाँ पे सॉल्व हो गया ये, यस ये sin x/x = 1, सो योर आंसर इज 1/6। या आप दोबारा से भी डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आ गया कॉस एक्स और नीचे डेरिवेटिव आ गया 6, है ना, विच इज नथिंग बट 1/6, राइट। तो दोनों मेथड से सॉल्व हो जाएगा, या तो फिर आधे न्यूमेरिकल में आप एल एच लगा दो, बाकी ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करो, या पहले ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करो फिर एल एच लगा दो, कैसे भी, इफ यू कैन सिंप्लीफाई इट बेटर, यू फर्स्ट सिंप्लीफाइड देन अप्लाई एल एच, करेक्ट। तो यहां भी हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला से, यहां भी हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा, यस। मैं तो ये सेशन में सिर्फ इसलिए है हमारा कि आप कैसे उसको एल एच से भी सॉल्व कर सकते हैं, या एल एच कब करे कब ना करे, ये समझने के लिए है, है ना, ओके। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या आप कोई भी मेथड चूज कर लो, कोई टेंशन नहीं होगी। अच्छा चलो इसको देखो, तो जरा जस्ट ट्राई, पहले नॉर्मली ट्राई करो विदाउट एल एच, सोचो तो सही, दिमाग चलाओ कि क्या कर सकते हैं, मान लो एल एच पता ही नहीं है फिर क्या करेंगे, और फिर नहीं चमक रहा है कुछ भी तो फिर शायद एल एच लगा लो। चलो आई वॉन्ट यू गाइस टू ट्राई, कम ऑन डू इट, करें देखो गाइस क्या होता है ना। अब इस क्वेश्चन से और समझो एल एच को जरा, ओके। मान लो मैं सबसे पहले एल एच लगा देता हूं, है ना, दूसरा कुछ चमका नहीं, या मान लो लगा दिया, ओके चलो, तो न्यूमरेटर में एल एच लगा दो, ये हो गया 2x माइनस डेरिवेटिव ऑफ टैन स्क्वायर एक्स, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ टैन स्क्वायर एक्स बच्चो, 2 tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स विच इज sec स्क्वायर एक्स, हाँ कि नहीं, बहुत बढ़िया, पक्का, डेरिवेटिव ऑफ टैन स्क्वायर एक्स इज 2 tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स इज sec स्क्वायर एक्स, अच्छा, डिवाइडेड बाय नीचे 4 × x^3, वेरी गुड। देखो अब भी 0/0 फॉर्म है, अभी भी 0/0 फॉर्म है। अब देखो प्रॉब्लम, अब अगर आप दोबारा से डेरिवेटिव निकालने जाते हो तो ये देखो कितना डेंजरस है ना, इसको यूवी से सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। और सेकेंड डेरिवेटिव में भी जो नीचे है 4x³ उसमें आ जाएगा 12x², तो शायद दोबारा से 0/0 आ जाए, तो यार तब तो ये डेरिवेटिव और भी डेंजर हो जाएगा ऊपर वाला, राइट। तो क्या किया जाए, अब ये सम में थोड़ा एल एच को और प्यार से समझो, है ना, 1/2 आंसर आ गया, चलो वेरी गुड, देखते हैं यार, है ना, आई डोंट हैव द आंसर विथ मी, तो हम लोग को सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा, ओके अच्छा आप ध्यान दो, अच्छा और जानने कैसे किया ये भी बता देना यार, ओके चलो फिलहाल रुकते हैं, अगर मैच हो गया तो बता देना, एक मिनट, अगर मैच हो गया आंसर तो बताना कि आपका मेथड क्या है, तो मुझे समझ में आए सही कर रहे हो, चलो अब ध्यान, है ना, यहां मैं ना कुछ चीजें लिखूंगा एल एच के बारे में, यस, एक मेथड लिखूंगा एल एच के बारे में, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं थोड़ा सा, क्यों क्यों सिंप्लीफाई कर रहा हूं, क्योंकि ना यार हमने देखा डायरेक्ट एल एच नहीं लग रहा है, तो पहले हमेशा फर्स्ट ट्राई टू सिंप्लीफाई इफ यू कैन, यस, सिंप्लीफाई इफ यू कैन, ओके। तो चलो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मुझे ऊपर दिख रहा है a² - b² आई कैन सी a² - b² ऊपर, है ना, तो मैं इसको लिख देता हूं, इसको मैं लिख दे रहा हूं x - tan x इंटू x + tan x, ओके okay? और नीचे में x³ है, सॉरी x^4 है, ओके okay? तो मैं
इसको लिखता हूं x और मैं इधर लिखता हूं x क्यूब। ओके ऐसा क्यों किया? अच्छा देखो यहां पे, यहां देखो x टेंड्स टू जीरो, इसको मैं लिखता हूं x माइनस टेन एक्स है ना अपॉन x क्यूब, और ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों, इसको एक ब्रैकेट में लेता हूं तो ये हो जाएगा वन प्लस टेन एक्स अपॉन x, टेन एक्स अपॉन x। तो यहां पे ना मुझे दो चीजें मिल गई, अब मैं इसको भी लिमिट लगा दूंगा और इसको भी लिमिट लगा दूंगा। तो बच्चों जब मैं इसको लिमिट लगा दूंगा तो इसकी देखो मुझे एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है कुछ तो, है ना, इसकी देखो मुझे मिल रही है फाइनाइट वैल्यू। कितनी वैल्यू मिलेगी? ये हो जाएगा वन, वन प्लस वन टू, तो इसकी वैल्यू टू मिल गई, करेक्ट। तो सेकेंड पॉइंट में यहां लिख रहा हूं कि split the given question या split the question into two parts if possible, two parts if possible, है ना, one will give you a finite value, please ध्यान दो, है ना, ये approach है, approach बता रहा हूं तो वो important है, one if possible one will give you, one will give a finite value, yes, and the other will be undefined, या तो undefined या तो फिर 0/0 form देगा, है ना, apply LH only on 0/0 वाला part, है ना। अब ध्यान दे दो बच्चों, जब मैं लिमिट x टेंड्स टू जीरो लगा दूंगा तो ये तो मेरा काम खत्म हो गया, इसका मुझे कोई टेंशन नहीं है, ओके इसको मैं एज इट इज इंटू टू लेकर के आगे बढ़ूंगा और सिर्फ इस पे LH लगा दो आप, ओके इस पे LH लगाओगे तो क्या मिलेगा ध्यान देना जरा, ओके यहां देखो क्या मिलेगा हमको, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x क्यूब विच इज 3x स्क्वायर, है ना, x टेंड्स टू जीरो। अच्छा अभी देखो तो जरा 0/0 फॉर्म है क्या, प्लीज चेक करो अभी भी 0/0 फॉर्म है क्या, यस लग तो रहा है यार 0/0 फॉर्म, हाँ कि नहीं, इट इज स्टिल 0/0 फॉर्म। तो क्या किया जाए, फिर से डेरिवेटिव ले लो उसका, समझ में आ रहा है क्या, फिर से डेरिवेटिव, लेकिन कैन वी सिंप्लीफाई दिस, व्हाट इज 1 माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स, व्हाट इज 1 माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, है ना, तो यहां मैं लिख दूंगा माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर इंटू ये 2, तो एज इट इज भैया इसको तो बचा के रखो, एंड वी हैव लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, तो यार क्या ये चीज 1 हो गई, हाँ ये चीज तो 1 हो गई, यस और नो, तो वी आर लेफ्ट विद -2/3 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको एक चीज ऐसी है जो फाइनाइट जिसका आंसर मिल गया ना उसको रख दो, उसको कुछ नहीं करना, जो दूसरा पार्ट है जिसकी वजह से 0/0 आ रहा है LH लगाते जाओ, तो आधे क्वेश्चन पे LH लगाते जाओ, आधे क्वेश्चन को छोड़ दो, चलता है, ओके? क्योंकि जिसमें प्रॉब्लम है ना, जो चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है सिर्फ उस पे LH लगाना है आपको, ओके? एक काम करो, जस्ट गो थ्रू इट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले इसको देखो समझो, कोई डाउट है तो बताओ, फिर आगे बढ़ता है, कम ऑन टेल मी क्या दिमाग, ओके सो विद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक मिनट लो, ट्राई करो, कुछ तो करो, जो दिमाग चलता है करो, आधे में LH लगाओ मत लगाओ, कुछ भी मेथड से सॉल्व करो, जो करना है ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं कुछ, ओके चलो डू इट, कम ऑन, ध्यान दो यहां पे, छोड़ दो यहां ध्यान दो, है ना। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा इस क्वेश्चन में कि मैं क्या सोच रहा हूं, ओके सो
बेसिकली प्रॉब्लम आ जाता है कि थिंकिंग प्रोसेस कहां से शुरू करें, कैसे समझ में आएगा कि ये स्टेप करना है। ओके यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा ध्यान दो, यहां ध्यान दो। ओके जीरो अपॉन जीरो फॉर्म आ रहा है क्या, चेक करो, जस्ट चेक कि जीरो बाय जीरो आ रहा है क्या। हाँ जीरो बाय जीरो आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है, ये एक्स की वजह से है ना, और ऊपर इसकी वजह से। क्या ये कॉस एक्स का कोई कसूर है क्या? नहीं, कॉस जीरो तो वन होता है, कॉस जीरो तो वन होता है। क्या इसका कोई कसूर है? नहीं, जीरो बाय जीरो में तो इसका कोई हाथ नहीं है, है ना। तो हम क्या करेंगे गाइस, हम इसको थोड़ा सा सेपरेट करेंगे, है ना। जिसकी वजह से जीरो बाय जीरो आ रहा है वो है ये गंदा इंसान, यस, और वो है ये एक्स गंदा इंसान, जिसकी वजह से जीरो बाय जीरो आ रहा है। और है हमारे पास वन अपॉन साइन एक्स भी है ना, और है हमारे पास, हाँ आ रहा है ना, आ रहा है ना, आ रहा है, मैंने कहा बोला नहीं, साइन एक्स की वजह से भी आ रहा है, तो इसीलिए मैंने तीनों को अलग कर दिया, है ना। ये तो बेचारा बेकसूर है, पूरा बहुत अच्छा बच्चा, इसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो इसको तो फाइनाइट वैल्यू बना के साइड में ही निकाल दो आप। ओके अच्छा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, इसकी वजह से साइन एक्स की वजह से जीरो बाय जीरो आ रहा है ना। अच्छा ये ले और इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्स से। चलो अब ये भी हो गया बेचारा अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा हो गया ये, इसका भी अब कोई हाथ नहीं है, इसका भी अब कोई हाथ नहीं है, खत्म, है ना। अब जीरो बाय जीरो किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से, लगाओ उस पे एलएच। यार देखो यहां एलएच लगाना कितना डिफिकल्ट था, है ना। नीचे देखो यू वी डब्ल्यू तीन तीन लोग है मल्टीप्लीकेशन में, तो पहले इसको भी मैं यू वी और इसको अलग से सॉल्व करूं तो भी डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। प्लस नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में क्या किया जाए वो भी जल्दी से दिमाग चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं, सोचना तो पड़ेगा। तो एलएच मुझे हेल्प करता है कि यार एटलीस्ट जो चीजें फाइनाइट है, जो चीजें अच्छी है, उनको मैं साइड में कर दूं। ओके तो चलो हमने इसको तो कर दिया, बचा क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इस पे आप एलएच लगा दो, इस पे एलएच लगाओ। तो वन का डेरिवेटिव जीरो, कॉस क्यूब एक्स डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 3 cos square x into derivative of cos x is minus sin x, तो ये हो जाएगा sin x, देखो तो जरा, upon derivative of x square is 2x, है ना। और ये तो बेटा हो गया 1 और ये भी हो गया 1, इसको भी मैं अलग से लिमिट लगा दूंगा, इसको भी अलग से लिमिट लगा दूंगा, है ना। अब देखो क्या बचा, 3 cos square x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स, ये भी हो गया अच्छा बच्चा, खत्म, है ना। और यार ये तो फाइनाइट ही है, लिमिट डाल दो जीरो, कॉस जीरो तो वन होता है, तो ये इंटू वन इंटू वन, तो व्हाट आर वी लेफ्ट विद, जस्ट 3/2, सो योर आंसर इज 3/2। कितनी स्टेप्स, 1 2 3, तीन भी पूरी नहीं, है ना। चलो कोई डाउट है तो बताओ, कुछ इश्यू है तो बताओ, कोई चीज नहीं समझी है तो बताओ। देखो कितना छोटा सा है, कितना सिंपल सा है। तो बेसिकली ऐसे अप्लाई करना है आपको एलएच। ओके अच्छा फिर अगला करके बताओ, चलो कम ऑन डू इट। अच्छा इसमें चलो हिंट देता हूं, डायरेक्ट एलएच लगा दो, न्यूमरेटर में भी लगाओ डिनोमिनेटर में भी लगाओ, कम ऑन डू इट। अच्छा एक काम करना, उससे पहले जस्ट सोचो थोड़ा सा कि नॉर्मल वे में हो सकता है क्या, राइट, और गिव इट अ थॉट एवरीबॉडी, एंड देन एलएच लगाओ ऊपर भी नीचे। चलो कम ऑन एवरीवन, ध्यान दो यहां पे, लुक हियर, चलो प्लीज ध्यान दो एवरीबॉडी, क्या है, जीरो बाय जीरो फॉर्म है, हाँ है, जीरो बाय जीरो फॉर्म है। ओके तो क्या करे, चल ऊपर लगाओ डेरिवेटिव, नीचे भी लगाओ डेरिवेटिव, ठीक है। देखो साइन की वजह से जीरो बाय जीरो आया, हाँ कि नहीं, देखो जीरो बाय जीरो क्यों है,
वन बाय वन फटाफट समझेंगे। यस, एक्स के बदले जीरो डालो तो साइन जीरो इज जीरो, नीचे एक्स के बदले जीरो डालो तो कॉस जीरो इज वन, लेकिन बच्चों लॉग ऑफ वन इज जीरो, लॉग ऑफ वन जीरो होता है, तो इसीलिए जीरो बाय जीरो फॉर्म आया, है ना। तो एलएच लगाएंगे हम लोग क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, है ना, फिलहाल कोई सेपरेट वगैरह ऐसा कुछ नहीं कि किसकी वजह से जीरो है, सबकी वजह से जीरो। तो लगाओ, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर इज कॉस ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर विच इज सिक्स एक्स, है ना, डिवाइडेड बाय व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, वन अपॉन लॉग एक्स, तो मैं यहां लिख रहा हूं वन अपॉन कॉस ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग विच इज नथिंग बट बच्चों माइनस साइन ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट विच इज फोर एक्स माइनस वन। चेन रूल है ना, शॉर्ट में छोटी चीज बताता हूं, इधर बहुत बड़ा बड़ा है ना वहां पे, चल डेरिवेटिव ऑफ है ना साइन ऑफ टू एक्स, ये क्या हो जाएगा बच्चों वन अपॉन साइन ऑफ टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन टू एक्स विच इज कॉस टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स विच इज टू, हाँ कि नहीं, छोटी चीज वैसे ही यहां बड़ी चीज, लॉग ऑफ कॉस का डेरिवेटिव इज वन अपॉन कॉस दिस इंटू इसका डेरिवेटिव ये इंटू ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव ये फोर एक्स माइनस वन। यस, क्या सबको समझ में आया, कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से, डेरिवेटिव में कोई दिक्कत, यस, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं फिर। अब देखो, अब समझो सारा खेल, सारा खेल क्या है, अब लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, एक्स टेंड्स टू जीरो, अब ऊपर ये अच्छा बच्चा, ये बहुत अच्छा बच्चा, इसकी वजह से कोई टेंशन नहीं हो रही है, नीचे में ये भी बहुत अच्छा बच्चा, इसकी वजह से भी कोई टेंशन नहीं है, और जीरो डाल दो तो फोर इंटू जीरो जीरो माइनस वन, ये भी कोई टेंशन नहीं कर रहा है। यस, तो जीरो बाय जीरो किसकी वजह से आया, जीरो बाय जीरो आया सिक्स एक्स और इसकी वजह से, तो अगला एल एच लगेगा सिर्फ उसके ऊपर। बोलो ये बात किसको नहीं समझी, मैंने जो अभी बकवास किया ये किसको नहीं समझा, यस यस ओके, तो मैं इसको कर रहा हूं सेपरेट, मैं इसको लिख रहा हूं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है ना सिक्स एक्स डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ साइन टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये है प्रॉब्लम वाला बंदा है ना, और ये अच्छे लोग देखो सब थ्री कॉस ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस अपॉन वन अपॉन है, तो मैं इसको लिख देता हूं कॉस ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय फोर एक्स माइनस वन, है ना, इसका कोई टेंशन नहीं है, इसकी एक फाइनाइट वैल्यू आने वाली है, यस फाइनाइट वैल्यू, तो इसका कोई वरी नहीं है। चलो इस पे एलएच लगा दो, ऊपर नीचे व्हाट इज, इस पे लगाएंगे हम एलएच, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ सिक्स एक्स सिक्स, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ दिस माइनस का माइनस, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स विच इज फोर एक्स स्क्वायर फोर एक्स माइनस वन विच इज फोर एक्स माइनस वन इंटू ये वाला पूरा ब्रैकेट बच्चों एज इट इज। अब देखो जीरो बाय जीरो फॉर्म कभी नहीं आएगा क्योंकि साइन हट गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो डाल दो सारी वैल्यूज, डाल दो एक्स के बदले जीरो तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स अपॉन नीचे कॉस जीरो जीरो और ये बच्चों ये क्या हो जाएगा कॉस जीरो विच इज वन इंटू ये क्या है माइनस वन है ना माइनस वन, देखो फोर इंटू जीरो इज जीरो माइनस वन। अच्छा अब आ जाओ इस ब्रैकेट के पास, इस ब्रैकेट में कॉस जीरो इज वन इंटू कॉस जीरो इज वन डिवाइडेड बाय फोर इंटू जीरो इज जीरो माइनस वन इज माइनस वन, तो माइनस सिक्स अपॉन क्या आ रहा है एक दो
दो बारी माइनस वन आया ना, तो ये वन हो जाएगा, आंसर इज माइनस सिक्स। देखो कितनी स्टेप्स, कितनी स्टेप्स, एक दो तीन चार, चौथे स्टेप में आपका आंसर। चलो क्या सबको समझ में आ रहा है क्या करना है? और ऐसे सम्स आपके बोर्ड लेवल पे नहीं आते, है भी नहीं बुक में। हमने कितने किए, कितने किए क्लास में, 100 क्वेश्चंस मिनिमम कर चुके अब तक, प्लस आपने होमवर्क में 50-60-70 कर दिए अब तक, यस, कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं मिला। तो ये LH हमारी लाइफ सिंप्लीफाई करेगा, बस आपको समझना है कि कब करूं और क्यों करूं और कैसे करें। क्या हुआ, क्या हुआ, कौन सा स्टेप? फर्स्ट स्टेप, अच्छा फर्स्ट बेटा ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ले लिया, क्या बोल रहे हैं, साइन ऑफ 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव, कॉस ऑफ 3x स्क्वायर इनटू इस एंगल व्हिच इज 6x। चल ये समझ में आया पक्का? यस जान्या, कम ऑन टेल मी, यस जान्या, आर यू देयर? वेरी गुड। अब देखो log ऑफ साइन 2x, यस, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन साइन 2x, वेरी गुड। देखो यहां पे log ऑफ cos ऑफ दिस, log ऑफ cos का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन cos ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय, यहां पे साइन 2x का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा मुझे, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, cos 2x, है ना, तो ये जो cos है इसका डेरिवेटिव, चेन रूल से इसका डेरिवेटिव लिया, वेरी गुड। और फिर cos 2x, तो 2x का भी तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा चेन रूल से, विच इज 2, तो ये जो ब्रैकेट है इसका भी तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, विच इज 2 2 4, 4x माइनस 1। समझ में आया क्या या अब भी नहीं? कम ऑन, 100% एकदम ऐसे घुस गया अंदर कि हाँ अच्छा ऐसा है, राइट? अब LH का फील आने लगा थोड़ा थोड़ा कि यार कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, अननेसेसरी कहीं भी चिपकाना नहीं, डिफिकल्टी लेवल कभी कभी बढ़ जाएगी। चल जस्ट गो थ्रू इट वंस, जस्ट नजर डालो उसको, देखो और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। चलो करें नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल ये रहा, ओके। अच्छा देखो इधर ऐसा होता है, लॉग का एक रूल बताता हूं, थोड़े रूल्स बताए, थोड़े रूल्स आप भूल गए होंगे, रिवाइज नहीं करवाया मैंने ये वाला रूल। अगर ऐसा है लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ बी टू द बेस ई, एक कॉमन बेस में लेकर के लॉग ए बाय लॉग बी हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं लॉग 2 टू द बेस 3, है ना, तो आई कैन राइट इट एज लॉग 2 अपॉन लॉग 3, ये जो बेस में है वो बेस में आएगा नीचे डिनोमिनेटर में, राइट? दिस इज द रूल ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम का एक प्रॉपर्टी, यस यस, ये ऐसे कैसे, दिस इज नॉट इक्वल टू लॉग ऑफ 2/3, दिस इज नॉट इक्वल टू लॉग ऑफ 2/3, लॉग 2 अपॉन लॉग 3 अलग होता है, लॉग 2 अपॉन लॉग 3 इज डिफरेंट एंड लॉग 2/3 इज डिफरेंट, ओके, यस यस यस। तो यहां पे जो रूल है वो रूल बस मैं यहां पे लिख के रखता हूं आपके रेफरेंस के लिए, आज के बाद याद रखना, पहले भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा नहीं याद तो कोई टेंशन नहीं, आज के बाद याद रखोगे। यहां कॉर्नर में लिख देता हूं कि भैया log ऑफ b टू द बेस a इज नथिंग बट log b अपॉन log a, तो ये वाला प्रॉपर्टी लॉगरिदम्स का आपको यूज करना पड़ेगा, ओके। क्या बोलता है देखो फिर यहां पे, log ऑफ दिस टू द बेस दिस, तो बच्चों कहना है राइट दिस एज लिमिट x टेंड्स टू जीरो लॉग ऑफ
tan square 2x upon log of tan square x. बोलो क्लियर है सबको, क्या ये चीज क्लियर है सबको, क्या किया है ना, ये देखो यहां पे ये b है आपका और बच्चों ये a है आपका, तो ये ऐसे लिख दिया। अब क्या करें, अब lh लगा दो यार, है ना, क्योंकि कुछ नहीं हो पा रहा है ना, लिमिट x टेंड्स टू जीरो है ना, फिर से देखो यहां पे क्या हो रहा है, tan जीरो इज जीरो, तो log ये यहां पे देखो tan जीरो है ना, तो ये फिर से जीरो अपॉन जीरो फॉर्म आ गया है ना, तो अब लगा दो lh, ऊपर भी lh नीचे भी lh, ठीक है, ध्यान देना lh कैसे लगा रहे हैं हम लोग ऊपर नीचे। डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ समथिंग इज वन अपॉन दैट समथिंग tan square 2x multiplied by derivative of this which is 2 tan 2x into derivative of tan 2x. Derivative of tan 2x is बच्चों sec square 2x into derivative of 2x is 2. Chain rule, once again with chain rule ध्यान देंगे नीचे की तरफ ध्यान दो, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ दिस इज बच्चों 1 अपॉन टेन स्क्वायर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ टेन स्क्वायर एक्स, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ टेन स्क्वायर एक्स, 2 tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इज sec स्क्वायर एक्स, है ना, इज sec स्क्वायर एक्स। बोलो बात समझ में आई किसी को, कोई टेंशन, कोई दिक्कत, कोई वरी? यस। अब ये कुछ डेंजरस सा बन रहा है, तो ओके, यहां देखो जरा, यहां ध्यान देना, ये tan 2x कटा और ये स्क्वायर कटा, tan 2x से ये स्क्वायर कटा और यहां से एक tan x और एक स्क्वायर कटा, है ना, एक tan x और एक स्क्वायर कटा, तो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, यहां लिखता हूं आगे का सॉल्यूशन, देखो ऊपर क्या बचा, ये 2 और ये 2, अच्छा और एक चीज काट देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, है ना, ये वाले 2 से ये वाला 2, देखो सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर भी सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं ये 2 और ये 2 को काट सकता हूं, बिल्कुल काट सकता हूं, ओके, सो बच्चों व्हाट आर वी लेफ्ट विथ नाउ, वी आर लेफ्ट विथ दिस 2, तो ये 2 को मैं अलग से लिखता हूं, है ना, और सारा ट्रिग्नोमेट्री वाला अलग से लिखते हैं, ये tan square ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा tan x, ये जो tan x है ना 1 upon tan x है, तो ऊपर जाएगा और ये डिनोमिनेटर में है, तो इधर आने वाला है tan of 2x, है ना, तो ये लिख दिया, ये लिख दिया, ऊपर क्या बचा और sec square 2x, ये बचा sec square 2x डिवाइडेड बाय, नीचे बच रहा है sec square x, राइट, दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विद, एंड ऑब्वियसली लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो तो वहां पर है ही एज इट इज। चलो इसमें कोई दिक्कत किसी को, क्या यहां तक कोई डाउट है किसी को, तो बताओ, कम ऑन गो अहेड, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, चलो वेरी गुड, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो है, अब ना कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, यस, कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन कॉस एंड बेसिक सिंप्लीफिकेशन जो आपका होता है वो सिंप्लीफिकेशन आपको करना है, कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू साइन कॉस और आपका जो बेसिक सिंप्लीफिकेशन है वो करो, कैसे करे, यहां देखो 2 इंटू टेन एक्स इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू ये टेन 2x नीचे है तो मैं उसको लिख देता हूं डिवाइडेड बाय साइन 2x अपॉन कॉस 2x, तो कॉस 2x ऊपर जाएगा अपॉन साइन 2x, सही है, देखो sec square 2x और नीचे sec square x, तो ये sec square x ऊपर जाके हो जाएगा बच्चों cos square x और ये sec square 2x नीचे आके हो जाएगा cos square 2x, क्या ये बात समझ में आई, है ना, सबको कर दिया ना, 1 2 3 ओके, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट किया, वंस अगेन टेन इज इक्वल टू टेन के बदले ये लिखा, यस, फिर टेन 2x के बदले ये लिखा, ऊपर जाकर के कॉस 2x अपॉन साइन 2x हो जाएगा और
इसके और इसके बदले ये लिखा, ये ऊपर जाएगा और ये बच्चों नीचे आएगा क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। ओके, यहां से कुछ कैंसलेशन होता हुआ दिख रहा है क्या? हाँ मुझे तो दिख रहा है भाई, मुझे तो कुछ कैंसलेशन होता हुआ दिख रहा है। ये cos x से एक cos x गया है ना, ये cos 2x से एक cos 2x गया है ना। What are we left with बच्चों? 2 into sin x into ऊपर cos x divided by नीचे बचा sin 2x, तो sin 2x के बदले 2 sin x cos x लिख दूं क्या, है ना, into 1 upon cos 2x, 1 upon cos 2x। चलो सबको समझ में आया? कोई डाउट है किसी को इसमें? कोई डाउट है किसी को इसमें? यहां से देखो ये सब कटता हुआ दिख रहा है मुझे तो, sin x cos x 2 2 1 upon cos 2x डाल दो, लिमिट 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 upon cos 2x व्हिच इज 1 upon cos 0 व्हिच इज 1। हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन, एकदम प्यार से शांति से उसको देखो और समझो, कम ऑन, एवरी स्टेप को नजर से एकदम अच्छे बारीकी से देखो क्या किया। देखो तो अगला सवाल, अगला सवाल, चल ट्राई करो, ट्राई करो, एवरीबडी एवरीबडी ट्राई दिस, कम ऑन डू इट, सोचो देखो किसकी वजह से जीरो, क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या, जीरो बाय जीरो फॉर्म दिख भी रहा। सी लुक हियर, ध्यान दो, पहले तो बोलो जीरो बाय जीरो फॉर्म होने के लिए डिनोमिनेटर में कुछ तो होना चाहिए यार। अब फिलहाल तो हम एलएच पढ़ रहे, नहीं भी पढ़ रहे होते तो भी यार जीरो या नॉट डिफाइंड या जीरो बाय जीरो आता है तभी तो हम लिमिट्स पढ़ रहे, अदरवाइज लिमिट्स का तो कोई काम ही नहीं था, है ना। तो ये क्या है, cos x, cos pi by 2 डालो, cos pi by 2 क्या होता है, what is cos pi by 2, 0 है ना, तो ये हो गया 0। what is log of tan x, tan pi by 2 is not defined, तो क्या ये term infinity हो गई, तो क्या ये term infinity हो गया, हाँ मुझे तो लग रहा है, तो this is 0 into infinity, yes, now Reshmi how can I convert this into infinity by infinity, तभी तो लगेगा सब कुछ। तो हम क्या करेंगे बच्चों, as this is 0 into infinity we have to convert it, या we will convert it into infinity by infinity form या 0 by 0 form, what is, है ना। आ जाओ देखो तो जरा, इसको मैं लिखूंगा limit x tends to pi by 2, limit tends to pi by 2, I will write this as log of tan x divided by sec x, cos x नीचे जाके हो जाएगा sec x, या cos x is 1 by sec x, now this is infinite by infinite। देखो तो जरा sec 90 क्या होता है, what is sec 90, yes infinity not defined, तो ये हो गया infinity by infinity form, so I can convert 0 by 0 into infinity into infinity by infinity, now लगा दो LH, है ना, अब ऊपर भी लगाओ नीचे भी लगाओ और सॉल्व करो, इसके आगे आप करके दिखाओ, चल कम ऑन डायरेक्ट लगा दो ऊपर नीचे LH लगाओ और देखो क्या आ रहा है, ट्राई करो दो। ओके चलो लेट्स सॉल्व दिस वन, ध्यान दो अच्छे से, चलो लगा दो आप यहां पे LH रूल लगा दो, ऊपर में क्या आएगा देखो, log of tan x, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, 1 upon log of tan x, तो डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 by x, तो 1 upon tan x into डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec square x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ sec x, क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ sec x, sec x into tan x, sec x into tan x, करेक्ट, ये sec x से एक sec x कटेगा, व्हाट आर वी लेफ्ट विद, एक ऊपर बचा sec x और नीचे बचा बच्चों tan square x, है ना, बेसिक रूल कन्वर्ट एवरीथिंग इनटू sin cos, ओके, तो ये हो जाएगा 1 upon cos
इनटू टैन हो जाएगा साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, ऊपर जाके हो जाएगा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, है कि नहीं? यस और नो? तो यहां से ये और ये कटा, व्हाट आर वी लेफ्ट विद? कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। लिमिट देखो तो क्या बोल रहा है, पाई बाय टू, लिमिट इज पाई बाय टू, डाल दो, देखो डाल के जीरो बाय जीरो आ रहा है क्या, चेक तो करो, cos pi by 2 is 0 upon sin pi by 2 is 1, so your answer has to be 0, 0 by 1 चलता है, 0 by 1 तो okay है, 0 by 1 is 0, we know that, है ना, तो वहाँ कोई tension नहीं है, and that was simple solution to this question, आगे बढ़े, yes, अगला सवाल, चल, this question is your homework, I'll send across this file to you. This question is your homework. Okay? Next question. ये वाला. Okay. चलो, try करेंगे. 17, 18, 19, 20, 21. Okay. Yes, Reshmi, tell me. In this question, you have a doubt here? ये वाला, हाँ. Okay, done. Okay, okay, great. Okay. So I am giving you this question as homework. Bacho, I am giving you this question as homework. Very simple, simple questions homework de raha hu. Jo hum already kar chuke hain, jis type ka hum already kar chuke hain. I am giving you this question for homework. And I am giving you one more question for homework. Homework ka discussion hum karenge kal sabse pehle sessions mein. I want everybody to solve and send it across to me. Everybody, homework तो करना ही करना बनता है, तो मैंने 21 questions overall LH rule पे सिखाए, I have tried to cover the entire variety, है ना, वैसे पूरा cover नहीं हुआ है, अभी और कुछ बाकी है ना, तो वो तो हम करेंगे कल वाले session में, right, so before you do homework, ये दो questions थोड़े tough लग रहे हैं देखने में, इसको solve कर लेंगे, ओके चलो मैं इसको स्टार्ट करके देता हूं आपको, टाइम थोड़ा कम है हमारे पास, स्टार्ट करके दे, देखो तो जरा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x 1 plus sin स्क्वायर x sin x sin x sin x बहुत सारा है और इसकी वजह से क्वेश्चन बहुत खराब भी बनता हुआ दिख रहा है, तो मैं बोल देता हूं लेट अस पुट sin x इज इक्वल टू समथिंग t, है ना, as x टेंड्स टू 0 t विल आल्सो टेंड टू 0, तो हमारा लिमिट शॉर्ट हो जाएगा थोड़ा सा, t टेंड्स टू 0, यस, t प्लस लॉग ऑफ अंडर रूट 1 प्लस t स्क्वायर माइनस t डिवाइडेड बाय, है ना, ओके सॉरी, ये पूरा एक ब्रैकेट में है ना, ये पूरा एक ब्रैकेट में है, डिवाइडेड बाय t क्यूब, एंड नाउ दिस इज द मेन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, अब लगा दो यार LH रूल, क्या अब हम LH रूल लगा सकते हैं, लेकिन इसका डेरिवेटिव भी बहुत डेंजरस सा बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन दैट्स ओके, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, चल देखो तो कलर चेंज, ओके ध्यान देना अच्छे से इसके डेरिवेटिव के पास, लिमिट t टेंड्स टू 0 डेरिवेटिव ऑफ t इज 1, यस अब t है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t तो 1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव बताओ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय लॉग, डेरिवेटिव ऑफ लॉग इज 1 बाय दैट फंक्शन, वेरी गुड, अब इसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, अच्छा जी इसका डेरिवेटिव क्या है देखो जरा यहां निकालते हैं, यस डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट क्या है वो 1 प्लस टी स्क्वायर रेस टू 1 बाय 2 माइनस टी, तो बच्चों इसका डेरिवेटिव क्या है 1 बाय 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर रेस टू माइनस 1 बाय 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर विच इज 2t और इसका डेरिवेटिव माइनस 1, बोलो क्या समझ में आया, कोई डाउट है तो पूछो, कम ऑन कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, एनीबडी एनी डाउट, छोटा मोटा कुछ भी, यस yes, देखो यहां पे x रेस टू 1 बाय 2 का डेरिवेटिव क्या रहेगा 1 बाय 2 इंटू x रेस टू 1 बाय 2 माइनस 1,
विच इज नथिंग बट 1/2 इनटू एक्स रेस टू माइनस हाफ. वैसे ही इसका डेरिवेटिव क्या है, 1 प्लस टी स्क्वायर रेस टू 1/2 इज 1/2 इनटू 1 प्लस टी स्क्वायर रेस टू माइनस 1/2 इनटू इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव है ना, विच इज 0 प्लस 2t विच इज 2t है ना, और ये 1 का तो माइनस 1 हो गया. तो यहां से बच्चों में ये 2 और ये 2 को कट कर दू चलेगा. व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, ये वाला चीज, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट t डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ